हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्की रावत और हम देख रहे हैं बिहाइंड दिस फोटो। ये हमारी सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में डिस्कस करते हैं मेरे कुछ सेलेक्टेड फोटोग्राफ जो मैंने अपने फोटोग्राफी करियर में कैप्चर किए हैं। ये मेरे कुछ सेलेक्टेड फोटोग्राफ्स हैं। इसका मेरा फेवरेट होने का रीज़न ये है कि मैं इस फोटोग्राफ से कनेक्ट करता हूँ, मैं इस फोटोग्राफ में अपना एक पीस ढूंढता हूँ, मैं अपने आप को एक पाता हूँ इन फोटोग्राफ्स में। और इन फोटोग्राफ्स का मेरी पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत ही इम्पैक्टफुल इन्फ्लुएंस रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इसकी फ्रेमिंग कैसी है या क्या, बट बिकॉज कि जो भी मैंने कम्युनिकेट करके उस सब्जेक्ट के साथ कम्युनिकेट करके या उस सीन को विजुलाइज करके जो भी मैंने अपने मन में पोर्ट्रे किया था, दैट इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज कैरी। सो आज के एपिसोड में हम जिस फोटोग्राफ के बारे में बात करेंगे वो ये फोटोग्राफ है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये फोटोग्राफ मैं डेडिकेट करना चाहूँगा दुनिया की सारी मदर्स को, है ना, स्पेशली माई मदर। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट आई हैव अ वेरी पर्सनल कनेक्शन विद दिस फोटोग्राफ। मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या है। इस फोटोग्राफ को आई शॉट इन द ईयर 2015। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और जैसा कि हम सब जो जयपुर से ये वीडियोज़ देख रहे हैं, हम लोग सब जानते हैं कि जयपुर में एक बहुत ही एक फेमस टेंपल है गोविंद देव जी टेंपल के नाम से, विच इज़ अ टेंपल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इस टेंपल का एक रिचुअल है, मतलब इंडिया में जो भी हिंदुइज्म के जो भी प्राइम फेस्टिवल्स होते हैं जैसे दिवाली, होली, जन्माष्टमी, इन फेस्टिवल्स को यहाँ पे बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है हर साल। और मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मेसमराइजिंग रहता है यहाँ का एक्सपीरियंस वो रहता है पर्टिकुलरली होली के टाइम पर। होली के टाइम पे जो यहाँ का व्यू होता है, मैं सही बताऊँ तो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उसका व्यू कैसा है, बट मैं आपको आई ट्राई। इमेजिन अ हॉल विच इज़ फुल ऑफ पीपल और सब सब के हाथ में कलर होता है एंड कुछ टाइम तक कुछ नहीं होता, सब एम्प्टी होता है। एक दूसरे को लोग कलर लगा रहते हैं, हैप्पीनेस, स्माइली फेसेस, येस ऑफ कोर्स, बट एक वाइड व्यू अगर आप लो तो कुछ भी नहीं होता है। और पल भर में, कुछ सेकेंड्स में वहाँ पे जैसे ही भगवान के पट खुलते हैं, पूरा जो आपका पूरा जो एम्बियंस होता है वो कलर से फिल हो जाता है। ग्रीन, पिंक, हर जगह बस कलरफुल, इट्स लुक सो वाइब्रेंट एंड सो रेनबो लाइक। वो एक व्यू होता है जो बहुत ही मेस्मराइजिंग होता है। और साथ ही साथ जो दूसरा जो पर्स्पेक्टिव, जो एक डिवोशनल पर्स्पेक्टिव जो मुझे वहाँ दिखता है, वो होता है द डिवोटीज जो वहाँ अपने लॉर्ड के सामने बाव करने आते हैं, राइट। और यही उसी एक मोमेंट में कहीं ये फोटोग्राफ कैप्चर हुई थी। मैं साइड में खड़ा था और वहाँ क्या है, पोडियम होता है, कृष्ण की जो स्टैचू है उससे एक थोड़े डिस्टेंस में एक पोडियम है, वहाँ वो एक एंड पोडियम है, वहाँ से आगे आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो उस लाइन में सब लोग आके लोग डिवोट करते हैं, माथा टेकते हैं अपना और अपना डिवोशन अपने भगवान के लिए यू नो एक्सप्रेस करते हैं। और इस फोटोग्राफ में, इस सीन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। और मैंने कहीं देखा कि मैं साइड से देख रहा था और इस सीन में क्या हुआ कि सडनली मैं देखता हूँ एक मदर है एंड शी इज़ मतलब जैसे जैसे स्ट्रगल करके वो आती है। और क्या होता है, वहाँ दो सेगमेंट्स बनाए जाते हैं मेल फीमेल के लिए अलग अलग, पर यहाँ पे जो शी इन्होंने इनको फीमेल सेगमेंट में स्पेस ही नहीं मिल रहा था आने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, ये मेल सेगमेंट में घुस गए और वहाँ से एकदम रश करके, मैंने इनको नोटिस करा था, रश करके जैसे तैसे करके ये आगे आए अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर, आई थिंक ये एक साल का बच्चा रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको लेके अपने गोद में इधर उधर रश करके वो अंदर आई और पूरा कलर था। और वो रश करके अंदर आई, जैसे आई वो उन्होंने पहले तो खुद माथा टेका, फिर अपने बच्चे को वो एक दीक्षा दी ना। सी आई थिंक मेरे लिए ये किसी भी मदर का उसके बच्चे के लिए पहला लेसन हो सकता है, यू नो, टू बी ग्रेटफुल टूवर्ड्स अ लॉर्ड, है ना। डिवोशन, एक सेंस ऑफ डिवोशन है वो ये फोटोग्राफ सिखाती है कि एक माँ अपने बच्चे को नर्चर करती है बचपन से, तो एक एक छोटे छोटे लेसन्स जो उसको सिखाती है, जो उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, जो उस बच्चे को एक ह्यूमन बींग में कन्वर्ट करती है फ्यूचर में, और वो अच्छा होगा या बुरा इंसान वो उन लेसन्स के ही रिजल्ट होते हैं, राइट। एंड दिस इज व्हाट दिस पिक्चर टीचेस मी, दिस पिक्चर रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर। और इसीलिए मैं आज आपके साथ तीन लाइफ लेसन शेयर करना चाहूँगा जो मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाए हैं। सबसे पहला लेसन तो ये है जो मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया है, टू ऑलवेज हैव अ बिलीफ सिस्टम। हम जो भी हैं, राइट, हम हमारे बिलीफ से बनते हैं, राइट। और आपका जो भी मॉरल कंडक्ट होता है, जो भी आपका मॉरल कोड होता है, जो भी आपका फिलोसफिकल कोड होता है और जो भी आपका रिलीजियस कोड होता है,
आप हमेशा उन प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करके एक बेटर ह्यूमन बन सकते हो। आपका जो भी बिहेवियर है वो इन्हीं सेगमेंट से मिलके बना है, राइट। आप जो भी इंसान हो, आपका जो भी कंडक्ट होता है टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स द पीपल अराउंड, इट इज़ दिस बिलीफ सिस्टम दैट यू, राइट। आपका बिलीफ सिस्टम ही है जो आपको एक बेटर ह्यूमन बनाता है, आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है, आपको लाइफ में हैप्पीनेस भी देता है और आपको किसी भी परिस्थिति में एक पॉजिटिव माइंडसेट कैरी करने के लिए रखता है, आपको हमेशा रेडी रखता है। क्यों? टू हैव अ बिलीफ सिस्टम, राइट। और बिलीफ सिस्टम, लोगों पे बिलीव करना और सबसे पहले अपने भगवान पे बिलीव करना और ख़ुद पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो मुझे लगती है मेरी मम्मी की, वो ये है कि टू हैव द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड ग्रेटफुलनेस। ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू माई मदर। She has always taught us to be thankful to the things you have. She has always taught us to be grateful to the things we have. To not feel sorry for the things we don't have. Life में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती हैं, but gratitude जब तक आपके अंदर है, जब तक आप अपने thank you express कर सकते हो towards the Lord, towards someone helping you, towards your family, towards your teachers, towards your friends, that is what will make you a better person. That is what will actually fulfill your life. राइट। और ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, सॉरी बोलना भी बहुत ज़रूरी है ना, तो इसको कभी मिस नहीं करना। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो मुझे मेरी मम्मी का लगता है वो है, वो हमेशा कहती हैं कि बी ए स्टूडेंट, राइट। हमेशा सीखो, हमेशा कुछ नया सीखो, हमेशा सीखने का मेंटालिटी रखो। जब तक तुम लाइफ में सीखते रहोगे तुम लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। जैसे तुमने सीखना बंद कर दिया वैसे यू हैव स्टॉप्ड ग्रोइंग। तो अगर जीवन में बढ़ना है, जीवन में आगे एक बेटर इंसान बनना है, ऑलवेज हैव द मेंटालिटी ऑफ अ स्टूडेंट, ऑलवेज कीप लर्निंग, है ना। देयर इज दिस फेवरेट लाइन ऑफ माइंड, आई रियली लाइक दिस लाइन, द आइडिया इज नॉट टू गो थ्रू लाइफ बट टू ग्रो थ्रू लाइफ, राइट। और इसी थ्री लेसन के साथ मैं आज के एपिसोड रैप अप करूँगा। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट। और आपके जो भी व्यूज़ हैं, जो भी आपके बिलीव्स हैं, आप इसके साथ इस वीडियो के नीचे आप इसमें आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपको अगर इस फोटोग्राफ का एक हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए तो आपको डाउन बिलो डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक प्लस इसका जो भी एक्सेस सेटिंग्स था, जो इसको कैप्चर करने में जो भी इसके कैमरा सेटिंग्स थे, वो आपको दिख जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।